इतवार की रोज से जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है वो ताहल अभी तक जारी है शहर के अंदर, और मजीद जो है वो एक दो रोज तक पेशन गोई है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, जब भी शहर में बरसात होती है तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई और दीगर जो टीवी चैनल्स हैं वो शहर दिखाते हैं कि जी फलां जगह पानी भर गया, फलां जगह पानी भर गया, और सोशल मीडिया पे तो हद ही हो जाती है। लोग कहते हैं जी कराची डूब गया, कराची बर्बाद हो गया, हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सच होती हैं और बहुत सारी बातें झूठ होती हैं। अक्सर लोगों के थंबनेल जो है वो झूठ पे ही मबनी होते हैं। बहुत माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो हम आज जो है वो कराची की पॉजिटिव साइड देखते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड मैं आपको बताऊं कि आज कराची में मैंने जो डिफेंस है, डिफेंस के बहुत सारे इलाकों का दौरा किया, जो मरकज़ी शाहराहें हैं, जो मरकज़ी सड़कें हैं क्लिफ्टन की और डिफेंस की, वहाँ पे हमने विज़िट किया और देखा तो पानी का हल मौजूद था कुछ जगहों पे, और लेकिन इतना नहीं था कि जिसकी वजह से वो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो सके। और ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन दोपहर को 3-3:30 बजे तक की। अच्छी खासी बरसात जो है वो उस वक्त तक हो चुकी थी और बरसात का सिलसिला भी जारी था। ताहम ये इस तरह से है कि बारिश होती है, पानी भी जमा होता है, लेकिन जो है चंद घंटों बाद शहर में से पानी निकाल दिया जाता है। और उसमें फिर बात यह है कि अगर आप फौरी तौर पर अगर जाके देखें बरसात जब बरस रही होती है तो आपको लगता है कि जी पानी भरा हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सड़कें डूब गई हैं, प्रॉब्लम्स हो गए हैं। प्रॉब्लम बिल्कुल होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कराची जो है उसमें प्रॉब्लम ही नहीं होते, शहर जो है वो प्रॉब्लम फ्री है। यहाँ सीवरेज के बड़े मसाइल हैं, यहाँ पे बरसात की पानी के निकासी के बड़े मसाइल हैं, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले में काफ़ी हद तक जो है वो सूरत हाल बेहतर नज़र आ रही है, अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचें इस बात को। और आप देखें कि अक्सर लोग जो है वो टारगेट वही इलाके करते हैं, जैसे कि नाजमाबाद हो गया या और दीगर जगहें हो गई जिनको टारगेट किया जाता है कि जी इन जगहों पे जो है वो पानी भर गया है या सड़क डूब गई है। तो ये एक बड़ी ख़ास बात है, तो हमें चाहिए कि जहाँ हम नेगेटिव बातों की निशानदेही करते हैं वहाँ हम पॉजिटिव बातों की भी निशानदेही करें। आज आई चंडीगढ़ रोड जो कि अक्सर व बेशतर बारिशों में जो है वो डूब जाता है, तो आप ये देख सकते हैं उसके मनाजर, आई चंडीगढ़ रोड पे जो है वो पानी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत पानी अगर होता भी है तो वो निकाल दिया जाता है, बाकी अमले की गाड़ियाँ जो है जगह जगह हमें नज़र आ रही हैं, अमला नज़र आ रहा है, स्टाफ जो है वो सड़कों पर नज़र आ रहा है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि मरकज़ी शाहराहों की तो देखभाल होती है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जो ज़ेली सड़कें हैं या जो इलाकाई सड़कें हैं उनके ऊपर जो है वो पानी की निकासी नहीं हो सकी होती है, या मतलब आप ये कह लें कि नहीं हो पाती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मरकज़ी शाहराहें हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट की शाहराह को ले लें, आप देखें आर्ट्स काउंसिल तक ये रोड जाती है और ये रोड बिल्कुल साफ़ सुथरी है। तो निस्बतन पिछले सालों के मुकाबले में कराची की परफॉर्मेंस खासी बेहतर है। ये नर्सरी है शाहराह फैसल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। आज खुशकिस्मती से इतवार का दिन भी था तो इस वजह से जो है वो पानी की निकासी जो है यहाँ पर हो रही है, और ट्रैफिक भी कम है, लोगों को परेशानी कम हो रही है। तो ये वीडियो मैंने बनाया और मैंने सोचा कि जहाँ इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं सोशल मीडिया पे, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आपको दिखाई जाए। तो ये शाहराह फैसल के मनाज़र हैं, और आज एक बड़ी ज़बरदस्त और अनोखी चीज़ जो है वो मैंने देखी, वो ये कि मैंने पहली मरतबा कराची की किसी इमारत के फ्लोर से बादल टकराते हुए निकलते हुए देखे। तो मुझे ख़ुद भी बड़ी हैरत हुई इस बात पर, और ये जो वाकया है ये क्लिफ्टन के अंदर जो है वो मैंने देखा। अच्छा, अंडर पासेस की भी अगर हम बात करें तो अंडर पासेस भी भर जाते थे पिछली बारिशों में, तो अभी आप ये देख सकते हैं डिग रोड का अंडर पास है और इसके अंदर से जो है वो जाने का मकसद ही यही है कि हम आपको दिखा सकें कि यहाँ पर जो है वो बरसात का पानी इस दफ़ा नहीं जमा हुआ है,
हो सकता है मामला तो ऐसे ही रहे, अगर इतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी सरकारी इदारों की तो बहुत अच्छी बात है, लोग जो है उन परेशानी से बचेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था बादों का, तो क्लिफ्टन पे जो आइकन टावर है ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है अब तक की, वहाँ पर जो है वो मैंने बादल बिल्डिंग को छू के गुज़रते देखे। क्लिफ्टन के इलाके में भी खासी जो है वो बेहतर सूरत हाल है, लेकिन चंद एक जगहों पर जो है वो मतलब सड़कों में शिगाव भी पड़े हुए हैं, गड़े हो गए हैं, जाहिर सी बात है गैर मियारी जो है वो काम किया जाता है, तो जिसकी वजह से जो है वो इस किस्म के मसाइल देखने को मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल जो है वो कदरे बेहतर है पिछले सालों के मुकाबले में। बाकी बात की जाए सीवरेज के पानी की, तो सीवरेज का पानी तो जो है वो अक्सर बिस्तर जमा रहता है। तो जी ये वो बिल्डिंग है आइकन टावर जिसका मैंने जिक्र किया, जो आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि पानी जो बादल हैं वो बिल्डिंग के फ्लोर से टकरा टकरा कर जो है वो गुजर रहे हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा देखा है, मैं तो आज तक जो है वो दूसरी जगहों पे ही या टीवी में या तस्वीरों में ही इस तरह की चीज़ें देखा करता था, लेकिन ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव मनाजर जो है वो मैंने देखे पहली मरतबा। तो मैंने कोशिश की कि किसी तरह से जो है उनकी एक वीडियो बना ली जाए और वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पॉजिटिव रहना सीखिए, पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, अगर आप मुस्बत सोचेंगे तो बहुत ही जो है वो अच्छी तब्दीलियां आपके अंदर रुनुमा होंगी। तो हमें ये चाहिए हम पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, बजाय कि हम जो है वो नेगेटिव चीज़ों को जो है वो ज़्यादा देखें, ऑब्लाइज करें। अल्लाह हाफ़िज़।